कैसे आप लोग, मैं गौरव सिटी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल जीरी टेक में। तो आज हम आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग लेके आए हैं Xiaomi के प्रोडक्ट की, जो कि अभी मैंने कल ही कमिंग सून का डाल दिया था और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि वो चीज़ क्या है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हाँ, तो ये रहा वो प्रोडक्ट। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं मी ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर। तो इसके करेंगे हम अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है और फिर इसे यूज़ करके भी देखेंगे कि कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइस दे रहा बॉक्स लिखा है मी ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर। ये इसका अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है वो है ये बॉटल है हैंड वॉश की। तो दोनों की हम करते हैं अनबॉक्सिंग। तो पहले हम करते हैं डिस्पेंसर की। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन, हमने कर लिया। तो इस बॉक्स को कर लेते हैं हम, इसके बारे में हम बाद में आपको फुर्सत से बताएंगे। तो ये पूरा बॉक्स ओपन हो जाता है और ये यहाँ से ऐसे निकलेगा। इसके साथ देखिए मैनुअल मिलती है जो आप पढ़ पढ़ के, अगर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप ये पढ़ के कर सकते हैं। तो थोड़ी सी पन्नी ऐसी हो रही है तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमने पहले थोड़ा देख लिया था। तो गाइस ये रहा हमारा मी डिस्पेंसर, सोप डिस्पेंसर। देख सकते हैं टॉप पे है मी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ से हमारा जो लिक्विड का जो भी फॉर्म निकलेगा वो ये है। आप यहाँ से सेंसर लगाए, सेंसर से आप जैसे आप क्लिक कर, जैसे आपका हाथ इसके नीचे आएगा तो फॉर्म यहाँ पे आपकी बॉटल लगती है। वो बॉटल भी हम आपको लगा के दिखाएंगे। और इसमें जो है 4AA की बैटरी लगती है, ये वाली बैटरी। एक इससे पतली भी आती है तो वो वाली आप मत लीजिएगा, मोटी वाली लीजिएगा। इसके साथ हमें बैटरी नहीं मिलती है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हम आते हैं हमारे दूसरे बॉक्स पे। ये हैंड वॉश का जो बॉटल है वो, जैसे भी हम कर लेते हैं सील को ओपन। तो ये बॉटल है आप लोगों के सामने। ये जो एक बॉटल है ये 300ml की है, ये 300ml की एक बॉटल है। आप देख सकते हैं ओनली लिक्विड है, लेकिन जब आप इसे यूज करेंगे तो ये फॉर्म शेप में आपके हैंड पे आएगी। ये इसकी सील लगी हुई है, जैसे इसकी सील आप हटाएंगे और फिर इस पर कनेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके पूरा यूजेबल होगा। तो अगली वीडियो में हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे इसमें बैटरी डलेगी, वो सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। और जब तक के लिए स्टे ट्यून, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।